গতকাল রাতে দুদিনের সফরে বাংলায় এসেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। গতকাল কলকাতা বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, শঙ্কুদেব পান্ডা সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বরা। বৃহস্পতিবার সকালে হেলিকপ্টারে বাঁকুড়ার করগাহির এলাকায় নেমেছেন অমিত শাহ। সেখান থেকে 7 নম্বর জাতীয় সড়কের পুয়াবাগান এলাকায় গিয়েছেন তিনি। সেখানে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেছেন। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরকারকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, যেভাবে বিজেপি কর্মীদের উপরে মমতা সরকার অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে আমি নিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আগামী দিনে বাংলায় 2/3 সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি। আজ ভগবান বিরসা মুন্ডা কি প্রতিমা কো श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूँ। जहाँ पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर ना आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। এরপর তিনি বাঁকুড়ার রবীন্দ্র ভবনে পৌঁছেছেন। এদিন বাঁকুড়ায় একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে অমিত শাহের। দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সমাজের বিশিষ্ট জনেদের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি। পাশাপাশি চতুর্দিহি গ্রামে একটি আদিবাসী পরিবারে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন তিনি।